गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा आप सभी की मनोकामना पूरी करे ऐसी मेरी कामना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा आप लोगों को बप्पा के दर्शन करा दिए जाएं। हेलो दोस्तों, मैं ज्योति आले मध्य प्रदेश से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कुछ दिनों पहले मेरा ये मीटर चेंज हुआ था और पुराने कवर को इलेक्ट्रिशियन छोड़ गए, मैंने उसे संभाल के रख ली। आपको तो पता ही है मैं तो खून कितनी बड़ी जुगाड़ू। तो उससे पहले देखिए एक और जुगाड़, ये है मेरा ऑयल कैन का टॉप का हिस्सा जिसमें मैंने पोर्चू लाकर लगा रखा है, मस्त ग्रो कर रहा है। तो जी ये रहा वो पुराना वाला कवर। सच सच बताना दोस्तों, आप लोग भी रखते हैं इस तरह का कबाड़ संभाल के? मैं तो भाई रखती हूँ। फेंकने से पहले उसे रीयूज़ करने का आइडिया ढूंढ ही निकालती हूँ। भाई उससे दो फायदे होते हैं, घर के लिए कोई कमाल की चीज़ बन जाती है और पर्यावरण में भी हेल्प हो जाती है। और ये देखिए यहाँ से जुड़ा हुआ है, सबसे पहले उसे काट लूँगी और इन दोनों हिस्सों का यूज़ करूँगी, बट ये वाले हिस्से का यूज़ अभी नहीं करूँगी। इसका DIY जब करूँगी तब आप लोगों से शेयर करूँगी, पहले तो इसे कर देते हैं अलग। तो थोड़ा ये प्लास्टिक हार्ड है, मेहनत लग रही है, बट फाइनली ये कट हो गया है। और ये देखिए इस तरह से दो पार्ट हमें मिल गए हैं, मैं इस पार्ट को यूज़ करूँगी और इसका होगा एक कमाल का DIY। तो अंत तक बने रहे दोस्तों, आप लोग देख के ना खुश हो जाओगे और बोलोगे भाई वाह। तो जी चलो शुरू करते हैं। आज इस हिस्से का यूज़ करूँगी, इस हिस्से को मैं फिर कभी यूज़ करूँगी और इसका DIY आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूँगी। तो सबसे पहले कर लेते हैं दोस्तों इसे कलर। मेरा ये वही बचा हुआ कलर है जो अभी तक इस्तेमाल करते आई हूँ और आज भी स्पंज नहीं है मेरे पास, तो लिया मैंने कॉटन का कपड़ा और इसका बनाया स्पंज जैसा शेप और किया डिप और बस टैप टैप करके इसको कर देना है कलर। काम तो होता ही रहेगा, साथ में बातें भी कर लेते हैं। दोस्तों आप लोगों ने मेरा ओल्ड फैन रीयूज़ वाला आइडिया बहुत पसंद किया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। आगे भी प्यार देते रहिए, बिकॉज आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स और सपोर्ट हमें और मोटिवेट करता है। देखिए बातों बातों में पेंट भी हो गया, अब इसे रख देते हैं सूखने के लिए। तो जी ये सूख चुका है, आप लोगों को कुछ आइडिया है कि क्या बनेगा? देखिए मैंने इसका कुछ इस तरह से ड्रॉ किया है और अब तो अंदाज़ा हो गया होगा आप लोगों को क्या बनेगा। तो चलिए फटाफट देरी नहीं करते, कर देते हैं इसको पूरा और कर लेते हैं कलर। मैंने कुछ ब्रशेस लिए हैं, कलर्स हैं। दोस्तों आप लोगों को एक राज की बात बताऊं, मेरी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, बस काम चला लेती हूँ, अपना काम होना चाहिए बस। ड्राइंग अच्छी नहीं होगी ये टेंशन लेकर मैं दुखी नहीं होती हूँ, दुनिया में वैसे ही काफ़ी टेंशन है ना। यदि एग्री हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है, टेंशन को करो पेंशन। और बस इस तरह के DIY क्राफ्ट करते रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए, आपको इस तरह के आइडियाज़ मिलते रहेंगे। ये देखिए जी कितना खूबसूरत पीस बन के तैयार हो गया। रुकिए रुकिए अभी थोड़ी कमी बाकी है, उसे भी पूरी कर लेते हैं तो और खूबसूरत लगेगा। तो बची खुची कसर भी पूरी कर देते हैं, पूरी तरह से सजा देते हैं इसे, है ना। तो इनके आँखों के यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको हाईलाइट करने के लिए वाइट कलर कर दिया है, तो खूबसूरत लग गया है। अब थोड़ा सा और सजा सवार देते हैं। ये देखिए इसमें पहले से ही कुछ छेद बने हुए हैं, तो भाई सजाएंगे पूरी तरह, है ना। तो मैंने लिया है ये चूड़ियाँ, ये प्लास्टिक की हैं और इसमें ये क्रैक किया हुआ है मैंने, और इसको बस पहना देना है। इयर रिंग्स जरूरी है ना भाई, सजा रहे हैं तो अच्छी तरह सजाएंगे क्यों। ये देखिए सज गई है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ी सी कमी बाकी है, भाई बाल भी तो होने जरूरी है ना। तो जी चलो बाल की भी तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने ली है नारियल की रस्सी और इसमें इसको बाल बनाएंगे, तो नाप ले लेते हैं पहले। ये पुरानी नारियल की रस्सी मेरे पास पड़ी हुई थी तो इसी का यूज़ कर रही हूँ, सब कुछ फ्री फोकट का है दोस्तों। तो इसका नाप ले लिया मैंने इस तरह से कितना लंबा बाल बनाना है, और इसको कट कर लेते हैं। कट करके इसको पूरा खोल लेंगे, तो थोड़ा सा कर्ली हेयर का लुक देना है भाई इसे, तो लगना चाहिए ना भाई कर्ली कर्ली हेयर और सुंदर सी।
तो जी ये ऑलमोस्ट तैयार है, तो आप क्या सोच रहे हैं फटाफट कर दीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो मेरे चैनल में नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ बिल्कुल निराशा नहीं होगी, इस तरह के DIY यहाँ मिलते रहेंगे। तो जी ये तैयार है और इसे लटका देते हैं यहाँ पे, बाद में मैं इसे गार्डन में सेट करूँगी। देखिए भाई फ्री फोकट का कबाड़ से जुगाड़, खूबसूरत ट्रिबल मास तैयार है ना, लग रहा है खूबसूरत। तो आपके पास यदि ऐसा कुछ है तो आप लोग भी बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, सस्ते रहिए, बाय बाय।